माय फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल 24/7 मॉम्स एक्शन। आज मेरी ये हालत देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, बट बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। तो मुझे मेकअप वेकअप करने का आज बिल्कुल मन नहीं किया। बस जो मेरे दिल में था, मेरे मन में था, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। एक इंट्रो वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, तो मुझे लगा तो अभी शूट कर लेती हूँ। हम लोग ने लिया है नया घर, तो बस उसी के लिए मैं एक इंट्रो वीडियो शूट कर रही हूँ कि आप लोगों को भी मैं वो अपने दिल की बात बता सकूँ। हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है अपना खुद का नया घर। नए घर में शिफ्ट अभी हुए नहीं हैं, थोड़े दिनों में हम लोग अपनी शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा सामान हम लोग भेज चुके हैं वहाँ पर। एक्चुअली पूजा होनी थी, गेस्ट भी आने थे, तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर कुछ सामान अभी भेजा नहीं है कि ईज़िली आराम से पूजा हो जाए, कोई भी सामान अभी इधर उधर शिफ्ट ना करना पड़े, अच्छे से स्पेस मिल जाए सबको। इस वजह से हम लोग ने अभी शिफ्टिंग नहीं की है और थोड़ा सा मुझे जुकाम हो गया। बस ये मेरा गुलिया देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये आफ्टर पूजा का लुक है मेरा। मतलब बहुत टायर्ड हो चुके हैं हम लोग, तो मुझे लगा कि अपनी खुशी मुझे अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। कुछ ही दिनों में मैं नए नए वीडियोज़ भी डालूंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको नए अपडेट्स चाहिए, मेरे नए घर कैसा है, कैसे मैंने उसे डेकोरेट किया, एक एक रूम का मैं डिटेल वीडियो डालूंगी। और आज के इस वीडियो में मैं अपनी जो भी मैंने सजावट की है पहले, थोड़ा बहुत, मतलब जिस दिन पूजा है उसके एक दिन पहले का ये वीडियो है, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें शेयर करूँगी। और मुझे सच में ना अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज मैं तुलसी वीरानी हूँ। पहले एक सीरियल आता था ना, क्योंकि सास भी कभी बहू है, उसमें तुलसी वीरानी जैसे गेट ओपन करके अंदर जाती थी, पूरे घर वालों से मिलवाती थी। मैंने वैसा सोचा था कि मैं ऐसा वीडियो कुछ बनाऊंगी, बट यार घर में अगर पूजा है, सब कुछ है, तो कुछ भी पॉसिबल कम होता है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं हुआ मेरे लिए वो बनाना। मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी, बट कोई बात नहीं, जो हुआ सब अच्छा होता है। बस यही सोचती हूँ मैं, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। बस भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। बस पूजा कोई भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तैयारियां सब में करनी पड़ती है। तो ये एक दो दिन पहले का वीडियो है, तो हम लोग ये पूजा में पंजीरी और चरणामृत का भोग लगता है, तो उसके लिए मैं मेवा काट रही थी, उसकी तैयारी कर रही थी। और जो ब्राह्मण आएंगे उनका ब्राह्मण भोज भी करना था, तो उनके लिए मेवे की खीर और हम लोग ने जो भी प्लानिंग की थी उनको खिलाने के लिए, तो उसकी सब तैयारियाँ कर रही हूँ मैं। मेवे वे काट रही हूँ बैठ के। धूप बहुत मस्त निकली थी, दो तीन दिनों बाद बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो मैंने हेड वॉश करके बढ़िया अपना सब तैयारियाँ वगैरह करने लगी वहाँ पर। और उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी, वहाँ पंडित जी लोग आए हुए थे। एक दिन पहले पंडित जी लोग आ गए थे कि सभी पूजा की सामग्री सही है कि नहीं, जो थोड़ी बहुत उनको तैयारियाँ करनी रहती, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो एक दिन पहले शाम में आकर पूरी तैयारियाँ अपनी कर रहे थे। सब कुछ जो चीज़ उनको चाहिए सब कुछ जगह पर रख के सब कुछ कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछ रही थी बीच बीच में कि ये सब चीज़ों का क्या मतलब होता है, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ भी शेयर करनी चाहिए। मुझे नहीं पता थी ये सारी बातें, अगर आपको नहीं पता है तो ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी पूजा ऐसी होती है जिसका हमें मतलब नहीं पता होता है, बट हमें वो चीज़ जाननी चाहिए। अगर हम कोई पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका मतलब भी हमें जानना चाहिए। तो बस मैं वही पंडित जी से पूछ रही थी, वो मुझे एक्सप्लेन करते जा रहे थे, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। देखिए आप भी अगर आपको अच्छा लगे तो। ये देवताओं के इसमें जो है, देवताओं की वापियाँ, यानी उनको एक अक्षत पुंज का स्थान दिया जाता है। अच्छा, आवाहन। अच्छा, देवताओं का आवाहन के लिए भर रहे हैं। अलग अलग दाल और अलग अलग, ये इसका क्या मतलब होता है? आकार चंद्रमा का दिया। हाँ, हाँ। चंद्रमा श्वेत होता है। हाँ। तो श्वेत ये शुक्र भगवान है। अच्छा, तो ये शुक्र भगवान भी सफेद है। अच्छा, जैसे मंगल है वो भी लाल है, मंगल की मिट्टी। नवग्रह के हिसाब से, नवग्रह के हिसाब से ये सूर्य जो है लाल है, इसलिए लाल से भरे जाएंगे। अच्छा, ये मंगल जो है, इनके आकार भी होते हैं सबके। अच्छा अच्छा, सूर्य गोल है तो गोल बनेगा, उस हिसाब से बना रहे हैं। हरी दाल मंगाओ फटाक से। बस बस लेने गए पंडित जी, आ रही है। एक एक छोड़ क्यों रहे हैं किनारे किनारे, एक एक छोड़ भी रहे हैं? चावल नहीं ना, चावल भरेंगे उसमें। चावल चावल आ रहा है, बस 10 मिनट में आ जाएगा। भगवान को चावल और हरी दाल की आवश्यकता है, इसके बाद कार आगे बढ़ेगा। बताइए नारियल के गोले क्यों बांध रहे हैं? कलश पे रखेंगे ये। और ये कलश कहाँ जाएंगे? सारे चौकी के चारों तरफ, चौकी के ऊपर। अच्छा, चार चौकी, चार इसका भी तो कुछ होता होगा मतलब। प्रत्यक्ष देवता।
अच्छा कलश का जो मध्य भाग होता है वो पेट हो गया, और जो नारियल रखा जाता है उसमें तीर नेत्र होते हैं वैसे, अच्छा वो मुख हो जाता है देवताओं का। तो एक प्रारूप बना करके कि इसमें सजीव कर मंत्रों के माध्यम से देवता उस देवता का आवाहन होता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है, तो वो प्रत्यक्ष देवता के स्वरूप में भाई पहले बनी होती थी है ना। अब हम लोग जैसे मंदिरों में हैं तो बली अब भी होती है, नारियल की बली होती है, हाँ। है ना, तो ये उसी में देवताओं का आवाहन, जैसे वास्तु देवता है, नवग्रह है, तो उसमें आवाहन उसका किया जाएगा। मनुष्य का स्वरूप मंत्रों का अगर मंत्र जब पढ़ दिए जाएंगे तो वो देवत्व उसमें आ जाएगा। मंत्राधीन देवता होता है, आपो वे देवता, जल में भी देवता है, जल ही देवता है, अग्नि ही देवता, अग्नि देवता है, हाँ। ये प्रत्यक्ष देवता मिट्टी ही देवता, देवता का रूप है, हाँ। पांच तत्वों में से एक है, तो हाँ। ये सब चीजें हैं। तो कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रासमान, कलश के मुख में मूले तस्य तो ब्रह्मा, नीचे ब्रह्मा विष्णु ऊपर महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तैयारियां हो चुकी थी, पंडित जी लोग आए थे, उन्होंने जितनी उनको तैयारियां करनी थी एक दिन पहले की वो सारी उन्होंने तैयारियां कर ली थी। वो लोग जा चुके थे, घर डेकोरेशन वाले भी आ गए थे, काफी टाइम हो गया था, देर हो रही थी, तो हम लोग घर चले। छोटा सा वीडियो था, अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। और ये मैंने एक दिन पहले मेहंदी लगाई थी 2 बजे रात को, जिस दिन हम लोग वापस आए ना, जिस दिन मैंने ये वीडियो, जिस दिन का ये वीडियो है उसी दिन मैंने ये रात को 2 बजे मेहंदी लगाई थी, और अच्छा खासा इसका कलर आ गया था। और मैं सेकेंड पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं कराने वाली हूँ आप लोगों को, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी सेकेंड पार्ट डालूँ, उसके बाद घर। बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।